स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट में, और आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। आईपीएल में आज मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच। जीटी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और आज अगर गुजरात टाइटंस को हैदराबाद मात दे देता है तो सनराइजर्स हैदराबाद ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। कैसा है पिच का मिजाज और कैसा रहेगा आज के मुकाबले में मौसम, चलिए आपको दोनों अपडेट्स देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात और हैदराबाद के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, फिर उसके बाद बताएंगे इस ग्राउंड पर कैसा क्या रहता है, बल्लेबाजों का जलवा रहेगा या गेंदबाज अपनी चमक बिखेरेंगे। हेड टू हेड की अगर बात करें गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, तो दोनों टीमों के बीच अब तक आईपीएल हिस्ट्री में चार बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से तीन मैचों में गुजरात की टीम ने जीत दर्ज की है और एक बार ही हैदराबाद को जीत मिली है। हिस्ट्री के लिहाज से देखें तो गुजरात का पक्ष जो है मजबूत रहा है आईपीएल में। चलिए ग्राउंड स्टैट्स के बारे में आपको बताएं, फिर उसके बाद विकेट के बारे में आपको समझाएंगे कि विकेट का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो ग्राउंड स्टैट्स की अगर बात करें तो यहां पर टोटल 76 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 34 मैच जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 42 बार मैच अपने नाम किया है, यानी टारगेट चेस करते वक्त टीम का जो है जो टीम होती है वो उसका पक्ष मजबूत रहता है। वहीं एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर है 162, 162 रन है। हालांकि इस सीजन में अगर देखा जाए तो हैदराबाद के पिच पर ढेर सारे रन बने हैं, कई बार 200 से ज्यादा के रन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने खड़े किए हैं, और यहाँ पर जो पैट कमिंस की टीम है हैदराबाद ने कई बार 200 से ज़्यादा रन भी बनाए हैं और हिस्टोरिकल टारगेट खड़े किए हैं और जिन्हें फिर डिफेंड भी किया है हैदराबाद की टीम ने। चलिए विकेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आमतौर पर पिच जो है वो बल्लेबाजों के मुफीद रहती है, बल्लेबाजों को ज़्यादा फायदा मिलता है यहाँ पर। हालांकि गेंदबाजों की अगर बात करें तो नई गेंद से इस मैदान पर गेंदबाजों को मदद मिलती है, नई गेंद हरकत जरूर करती है, लेकिन अगर गेंदबाजों की तुलना में बल्लेबाजों की बात करें तो यह बैटिंग पैराडाइज विकेट है। और वहीं दूसरी पारी में ओस का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ड्यू फैक्टर निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो यहां पर टॉस जीतिए और पहले बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि टारगेट चेस करने वाली टीम का पलड़ा जो है मजबूत रहता है यहां पर, और फिर ड्यू फैक्टर भी आ जाता है तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने वाली जो टीम होती है उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और बॉल पर नियंत्रण रखना तो आपको पता ही है मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ड्यू आती है तो बॉल जो होती है वो साबुन की तरह फिसलती है, जैसा गीला साबुन होता है वैसे ही बॉल फिसलती है, और फिर बल्लेबाज जैसे मर्जी आए वैसे बल्लेबाज बैटिंग करते हैं। तो यहाँ पर बैटिंग आसान हो जाती है और टॉस की भूमिका अहम रहती है, क्योंकि टॉस जो भी टीम जीतेगी पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश करेगी। हैदराबाद में अगर पहले बल्लेबाजी करने का मौका हैदराबाद की टीम को मिल गया तो उनके पास ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा हैं, हेनरिक क्लासन हैं, और ज़बरदस्त उनके पास बल्लेबाजी क्रम है जो 250, 260, 270 रन का भी टारगेट खड़ा करने का मादा रखते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर तो पिच पर गेंद और बैट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आपको नई गेंद से मदद मिली तो जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और जो टीम टारगेट चेस करने आएगी वो बड़े से बड़े टारगेट को डिफेंड चेस भी कर सकती है, चेस करने का भी यहां पर मौका होता है। तो हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, तो पिच का मिजाज तो वही ऐसा ही है। और अगर हम मौसम की बात करें, मौसम सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दक्षिण भारत में बारिश की आशंका जता चुका है मौसम विभाग और कई जगहों पर बारिश हो भी रही है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो हैदराबाद और गुजरात के बीच इस मुकाबले में भी बारिश की आशंका है, क्योंकि शाम को जब मुकाबला शुरू होगा 7:30 बजे से मैच शुरू होगा तो हल्की बूंदाबांदी की आशंका है, हैदराबाद शहर में बारिश हो सकती है। तो अगर बूंदाबांदी हुई तो फिर मैच भी बाधित होगा और फिर विकेट का मिजाज भी बदलेगा, फिर देखते हैं कि टीम अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कैसे करती है। तो ये था विकेट का मिजाज, पिच का मिजाज। पिच के बारे में हमने आपको बता दिया कि बैटिंग पैराडाइज होगी विकेट, और टारगेट चेस करने वाली टीम यहां पर मैच अक्सर जीतती रही है, तो जो भी टॉस जीतेगा टारगेट चेस करने की कोशिश करेगा
तो ये था पिच का हाल, मौसम का हाल। आप इंडिया टीवी क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।